अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोगों का वेलकम है यासीन शेख ब्लॉग में। आई आज का ब्लॉग शुरू कर देगा, सुबह आप सब खैरियत से होंगे। और अभी बच चुके हैं दोपहर के 12। मेरी वीडियो एडिटिंग में गाइस इतना टाइम लग गया मुझे, तो इस वजह से मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और भाई लोग सब गए हैं घूमने के लिए, और देखिए शबनम भी यहाँ पर तैयार होकर बैठी है, मुसद्दिक भाई भी रेडी है। ये लोग जा रहे हैं सिद्धार्थ गार्डन। मुझे भी बहुत फोर्स कर रहे थे कि भाई चलो चलो चलो, लेकिन मैं आज जा रहा हूँ अपने ससुराल, और मुझे इस वजह से मैं नहीं जा पा रहा गाइस, क्योंकि फातिमा ना वहाँ पर भी मुझे स्कूल से बैठने नहीं देगी। तो कैसा यहाँ पर किसी से भी अभी तक उसकी मुलाकात, मतलब मेल जोल नहीं हुआ है, किसी से भी ताल्लुकात उसने अभी तक नहीं बनाई है। सबके पास तो रो रही है, तो इस वजह से मैं जा रहा हूँ इसको आज लेके। तो इंशाल्लाह भाई अपनी लास्ट मुलाकात है, अब अगली बार कुछ होगा तो इंशाल्लाह। नहीं अभी अगर मैं आऊंगा ना कभी ससुराल, तो इंशाल्लाह जरूर पूछूंगा। तो भाई बहुत उनको फोर्स किया, बट मसला इनका ऐसा है ना कि मतलब किसी से मिलजुल में नहीं रहा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि मतलब हम लोग पिछली बार उसको जैसा देखे थे, जो देख के रोती थी, तो अभी देख के नहीं रो रही है, जब उसको हाथ लगाएंगे तो ही रोती है, मतलब वो रो भी मत बोली। तो मैंने भी अभी तक उसको ढंग से लिया नहीं गोद में, जो इतना रोने लग गई ना एक बार, तो 10-15 मिनट उसके अब्बा की जान खा ली बेचारी शबनम। कल रात में सोची इसको प्यार करूंगी, लेकिन भाई इसका प्यार रह गया ऐसे। वो खाली सोई थी ना जब मैंने उसको एक बार रोकी लिया। बात अब्बू दादू सुबह जब मेरी बच्ची यहाँ पर सो रही है, और अभी 3 बज गए हैं, इंशाल्लाह 6:20 की मेरी ट्रेन है। और बहुत बोले कि बहुत अच्छा लगेगा, सब बोले, भाई ने भी बोले, सब लोग जितने भी मतलब साथ में आए थे ना मेरे, सब बोले चल चल चल, भाई के गुस्सा हो गए। हाँ शफी भाई नाराज हो गए, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगली बार आएंगे तो जरूर जाएंगे। तो चलिए गाइस 5 बजने वाले हैं, और अभी फातिमा को फटाफट रेडी कर देता हूँ, फिर उसके बाद अपने को निकलने का है, और आ जाओ। हाँ आपको तैयार कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। पहना उसके महत के बर्थडे में तो नहीं पहना पाया वहाँ पर, तो बोला चलो अभी पहना के ही लेके जाते हैं इसको, क्योंकि भाई वहाँ पर ना बहुत सता भी रही थी, तो इसलिए बार बार सो रही थी। मेरा बच्चा, अरे वाह, अरे अरे रुको 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 रुको, पहना देता मैं, पहना तभी पहना देता, हो गया। अरे वाह, रुको ना मेरा बच्चा। हाँ रुको, मेरी जान, बोलो मेरी जान, हाथ दो फातिमा, हाथ दो, ऐसा नीचे मत करो हाथ, अबे ये वाला हाथ दो, बहुत नखरे कर दी गाइस कपड़ा पहनने में, ये देखो ये, हाँ रुक जाओ, अरे वाह, उधर देख लो, अरे वाह माशाल्लाह, अच्छा पैर डालो, अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह। अच्छा अपन कहाँ जाएंगे अभी? योला जाएंगे, किससे मिलने जाएंगे? नानी से। पकड़ो ऐसा, ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ो, ये पकड़ो, ये ऐसा, अंजी अजी से मिलने जाएंगे, आंटी से मिलने जाएंगे, अजी से भी मिलने जाएंगे। हाँ तो देखिए गाइस, तो देखिए गाइस फातिमा को मैंने ये वाला कपड़ा पहना दिया हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। और क्या बोलते हैं अपना पाउडर वगैरह तो नहीं लेकर आया था मैं। हाँ चलो अभी ऐसे चलेंगे बेटा, 5 बज गए गाइस, बस अपना बैग पैक कर लो फिर निकलते हैं ताला वगैरह मार के, ठीक है। और मेरी बच्ची कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट कर देता हूँ। पा देता अब्बू को, पा देता, माशाल्लाह। कहाँ जा रहे हैं अब्बू, कहाँ जा रहे हैं? योला जा रहे, तो चलिए भाई योला चलते हैं फटाफट। फातिमा को मैंने दूध दिया पीने के लिए, लेकिन इसने पी नहीं बंद दिया ना, तो चलिए जो भी सामान वगैरह है उसको अपन पलंग पे रख देते हैं, और पानी नहीं पी के निकलते हैं। निकलते बेटी, फातिमा का दूध भी भर लेते हैं, देखो इतना दूध पड़ा हुआ है, दूध की बोतल भर लेते हैं, कैसे 2-2.5 घंटे का सफ़र है ना, और इतना इतना दूध उसको काम आ जाएगा। आ जा मेरी जान, आ जा, बस खड़े
आगे मत बढ़ना। हाँ तो कर लेना, जरा अब्बू के बिना रहा करो। एक बॉटल की जितना बराबर दूध पूरा भर के था। हाँ एक बॉटल पूरी भर गई है। बराबर 5:10 हो गए और चलिए निकलते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलील अज़ीम। सफ़र की दुआ पढ़ लिया मैंने, अल्लाह पाक सलामत रखे। और चलिए फटाफट यहाँ से रिक्शा पकड़ेंगे, फिर उसके बाद में औरंगाबाद स्टेशन चलेंगे। ठीक है बेटी, सही है ना? ओके सब ठीक है। तो मैं आ गया हूँ बाहर और चलिए देखते हैं अभी रिक्शा यहाँ पर कहाँ से मिलेगी। यहाँ से अपन पर्सनल रिक्शा तो करेंगे, लेकिन कैसा 200-250 रुपये ले लेते हैं। सॉरी 200-250 बोल रहा हूँ, 150-200 रुपये ले लेते हैं। और अभी आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं अगर शेयरिंग जाएगी ना तो शेयरिंग से चलेंगे, 50 रुपये में अपना काम हो जाएगा। तो एक रिक्शा तो खड़ी दिख रही है वहाँ पर, चलो फिर अगर नहीं मिलेगी तो अपने को पर्सनल ही जाना पड़ेगा। तो गाइस मुझे तो शेयरिंग रिक्शा नहीं मिली तो मुझे पर्सनल ही रिक्शा करना पड़ा। तो देखो 150 के आसपास लेते हैं यहाँ पर, तो चलिए चलते हैं फटाफट अभी औरंगाबाद स्टेशन जाते हैं। अरे अरे माशाल्लाह, देखो इसको बैटरी का क्या हुआ, मज़ा आ रही है। पहुँच गए हैं औरंगाबाद स्टेशन। शुक्रिया अंकल, तो बोलती दूध दे, बोला चलो ट्रेन में बैठ जाएंगे ना बेटा तो मैं तुम्हारे को देता हूँ दूध, ठीक है? तो मैं आ गया अंदर, चलिए यहाँ से टिकट ले लेते हैं। तो ये नगर स्कूल के मैंने टिकट ले लिया, तो फातिमा को मैंने यहाँ पे लेटा दिया। वेटिंग रूम में हम लोग बैठे हैं अभी, और अभी ट्रेन आने बहुत टाइम है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर बैठे। जब ट्रेन आएगी तो देखें किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो फिर उस पे चले जाएंगे। तो बैठे बैठे नींद आ रही थी, मैंने ले लिया एक चाय। फातिमा चाय पियेंगी? फातिमा ने चाय पी, फातिमा ने दूध पी लिया। और यहाँ का वेटिंग रूम देखो कुछ ऐसा है। फातिमा कहाँ जा रहे हैं? हाथ निकाल के बोलो, हाथ निकाल के बोलो। हेलो चाय पियो, चाय पियो। नहीं पियेंगे चाय? आना आना की याद आ रही है? अरे बाप रे, थे तो सामने खेले नहीं और अभी दूर जा रहे तो याद आ रही है। आना आना, समीर, उमेर, और किस किस को याद कर रहे तुम? सबको याद कर रहे हैं? शर्मीना, ये देखो भाई फातिमा इसका फैन है। अरे वाह माशाल्लाह, माशाल्लाह बोलो। माता अन्ना कितने अच्छे लग रहे तुम बेटी, माशाल्लाह। अल्लाह नजर बस से बचाए तुमको। अभी इसका बहुत आपना नहीं है, ठीक है? चलो जाओ नीचे खेलो, जाओ नीचे खेलेंगे। हाँ बेटी नहीं खेलेंगे, जाओ ना नीचे, जाओ ना, नहीं जाएंगे। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और ये मैं चढ़ गया एक्सेलेटर पे। फातिमा एक्सेलेटर पे उतरेंगे? उतारू नहीं, उतारू तुमको? नहीं उतार, नहीं उतारू, उतारू क्यों नहीं? उतर जाओ ना। नहीं, डायरेक्ट बोलती नहीं। हाँ भाई तो दे औरंगाबाद, उधर से दिखी नहीं रहा, यहाँ से दिखाता हूँ थोड़ा सी, इसको बड़ा कर लेता हूँ। और इस बाजू का व्यू कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से व्यू। चलिए 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे यहाँ से, ये भी चढ़ने वाला है, ये उतरने वाला है यहाँ। यहाँ से उतरते फातिमा। तो गाइज अपन आ गए हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और मैं वापस उधर से ना एक्सेलेटर के पास जाके खड़े हो जाता हूँ, क्योंकि इसका भरोसा नहीं, एक पे भी आ सकती, दो पे भी। तो जिस हिसाब से जो टाइमिंग पे आएगी, एक पे या दो पे, तो मालूम पड़ जाएगा अपने को। तो एक्सेलेटर के पास रहूँगा तो फटाफट जाके 1 नंबर पे चले जाऊँगा, या 2 पे ही रहता हूँ, अगर इधर आ गए तो अच्छा है। तो पब्लिक सब मेरा मुँह देख रहे ना, कुछ शर्मा रही ब्लॉगिंग करने, क्या बोलते फातिमा? हाँ ऐसे करेंगे ना पब्लिक में ब्लॉग, मज़ा आएगी ना। हाँ चलो अभी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं बेटी, ठीक है? पक्का एकदम पक्का। अभी अभी जस्ट देखो अनाउंसमेंट कर रही है कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं, वो पब्लिक के साथ भाग रही है। तो चलो भाई मैं भी भागता फटाफट, मैं खोटा आ गया यार, शिट, वहीं बैठा हुआ था। मैप में ना 2 नंबर दिखा रहा है प्लेटफॉर्म, और अभी ऐलान करी उसने अनाउंसमेंट के 1 नंबर पे आएगी गाड़ी। देखे गाइस ऐसा होता है, इसलिए मैं ना एक्सीलेटर के पास आके खड़े हो गया था, क्योंकि भाई ऐसा ही होता है हमेशा। एक बार ट्रेशन, एक बार ऐसे ही मैं ना मनमाड जा रहा था, तो मनमाड में ना 5 नंबर पे आने वाली थी, अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि 6 नंबर पे आने वाली, ले भाग भाग के गया भाई। ये अच्छा है कि मैं अकेला था, इसलिए टेंशन नहीं है। कैसे भाग रहे देखो तुम लोग। चलो 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 चलो, फातिमा फातिमा फातिमा। तो भाई अभी आ गए हैं हम लोग 1 प्लेटफॉर्म पे, और अपनी गाड़ी भी आ रही है अभी बस। तो फाइनली गाइस देखिए, इतने इंतज़ार करने के बाद अपनी ट्रेन आ गई है, और ये देखिए हमारे भाई लोग भी मिल गए इधर पे, माशाल्लाह। जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना गाइस, इन लोगों को भी वहीं जाने का है। और ये देखिए अपने समीर भाई, क्या बोलते हैं भाई?
चलेंगे साथ में आप लोग? साथ में चलेंगे। चलो भाई थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ पूरी फूल रहती क्या भाई? हाँ फूल है। अरे मान गई। अच्छा भाई तुम लोग मिल गए मेरे को, थोड़ा कंपनी हो जाएगी अपनी। इसको ना गाइस आ रही है अभी नींद, दूध की बॉटल दे दूंगा ना पीते पीते सो जाएगी आराम से। अरे मेरा अच्छा चलो दूध पीना पीना दूध ठीक है। चलो सब लोग यहाँ पर बैठ गए आराम से रहो एकदम। हंसते नींद आ रही। देखो सेबड़ी पूरे बदन में चमकी चमकी करके ले ली इसने फ्रॉक पहनने के बाद। देखो ऐसा नस्ती हाँ बेटी कहाँ हो गया? सो जाओ चलो सो जाओ पहले सो जाओ चलो सो जाओ। तो लाइटिंग लगा दिया क्योंकि वहाँ पर उतरेंगे ना तो फ्लैश वगैरह कुछ मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने लाइटिंग पूरी कर दी। और यहाँ पर देखिए अपने भाई लोग भी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। एक नंबर या बता सकता हूँ पहले बोला था ना पहले होते ना एक बार हो। मेरे को मालूम नहीं था ना, मुझे लगा कि तुम लोग दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे। नहीं नहीं चलेगा भाई दिक्कत नहीं, खोलने का होगा तो खोलेंगे। निकालो जरा दिखाते फिर। हां भाई जानते हो मुझे बहुत लेट रहता हूं हमेशा मैं एकदम। ये देखो कहां से लेके आया तुम लोग ने? सिल्वर सिल्वर कलेक्शन। सिल्वर कलेक्शन माशाल्लाह देखो एक से एक घड़ी सब सब पूरे दोस्त लोग के लिए एक जैसे लेकर आए लोग ने। मजबूत शॉपिंग की है। तो एक कितने की मिली समीर भाई? 800 रुपए की। 800 रुपए का एक 1150 वाली। अच्छा ये मेरी है महंगी वाली। हाँ 1150 वाली मेरी है। और ये आठ बार कितने का मिला? 350 रुपए दो। 350 रुपए में दो बॉक्स मिला माशाल्लाह। मतलब नवी नवी दुकान खोले ना इसीलिए ये दो बॉक्स 350 पूरा मतलब ऑफर चल रहा था ऑफर में दे दिए तुम लोगों। एक नंबर लग रहा है बहुत अच्छा है। वेरी गुड। सब लोग दोस्त लोग 500 दोस्त लोग एक साथ पहन के जाएंगे ना तो लगेगा अरे माँ मेरी एक ही कंपनी का सब पहन में रहा। अच्छे लग रहे हैं लाइक। अरे एक नंबर। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं नगर सूल। देखिए अपनी ट्रेन खड़ी हुई है। हाँ तो अभी यहाँ से अरे माँ बहुत बहुत वो बैठ गए थे यार अपन आगे। अभी पैदल इतना दूर चल के आना पड़ेगा अपने वहाँ अनसार इतना दूर गाइस पैदल चल के जाना पड़ेगा। और अभी बच चुके हैं 9 तो चलिए फटाफट चलते हैं योला। इससे पहले आया था ना गाइस तो ये सब नहीं बना हुआ था और अभी देखें माशाल्लाह सब बन गया है। और ये नगर सुल की एक ट्रेन इधर पे एंड है। अभी ये डायरेक्ट सुबह में जाएगी बस वो एक ही है। और अभी देखते हैं कितने लोग को बैठाएगा एक के। तो चलिए अब यहाँ से उतरते हैं अपन। अल्लाह अकबर। हाँ ये लास्ट अब अभी 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 पटरी बनी है पहले नहीं थी। एक नंबर। चलो फातिमा एकदम चिपक गया मेरे को ये। अच्छा मैंने फ्लैश लगा लिया। ये देखो बस ये लास्ट गाड़ी है। चलो इधर लटक जा अंदर रख लो बैग अंदर। ऊपर रखना पड़ेगा भैया ऊपर रखना पड़ेगा। हाँ अंदर रखेंगे अंदर रखते ना ऊपर उड़ जाएगा। हाँ हेलो। चलो भाई सब बैठ गए गाड़ी में। बस फाइनली गाइस मैं उतर गया योला बस सर्कल पे। और कैसा अब आने के टाइम ना गाइस बहुत भर दिया था उसने, कम से कम 18 से 20 लोग थे। तो कैसा अब लास्ट था ये तो इस वजह से एडजस्ट करके सबको भराया ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो और किसी को और अपन किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो अपने लिए भी अच्छा ही होगा। तो इस वजह से उसने लास्ट में इतना भरा दिया ताकि अभी देखो जाहिर सी बात है अभी कोई नगर सुल उतर रहा है और जिसको मतलब लास्ट है अगर बस वगैरह या कुछ भी गाड़ी वाड़ी नहीं मिली तो बेचारा परेशान हो जाएगा। तो इसने पूरा एडजस्ट करके कैसे भी करके लेकर आया। हम लोग एक बार फिर पहुंच गए हैं योला। फातिमा योला आ गए अपन। तुम कहाँ जाने का नानी? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे नानी के वहाँ बोलो? नहीं बोल रही शर्मा रही। अब देखते हैं गाइस इसका रिएक्शन क्या रहता है, पहचानती है या नहीं पहचानती है। खैर अभी चलते हैं थोड़ा देर बाकी है तो वहाँ पहुँच के आप लोगों को दिखाता हूँ ठीक है। अली वाह
नानी इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। अरे क्या बात है यार फातिमा, अजी फातिमा इधर देखो इधर देखो, योला आ गया अपुन। चले अल्लाह, कब से बोल रही थी कहाँ जा रहे, बोलते योला योला योला, फाइनली आ गए। अस्सलाम वालेकुम, मैंने सलाम भी नहीं किया। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, खैरियत? टकली क्या काली हो गई थे बच्ची मेरी। अरे माशाल्लाह, जान लग जाओ उसको। यहाँ पे उतारा ना सर्कल पे, चलो चलते हैं। पहचान ली सबको, ले क्या बात है। अरे ट्रेन में हवा चल रही थी ना, इसलिए पिना के लेकर आना। पहचानी सबको, रो ही नहीं। ये देखो, अरे वाह फातिमा के लिए क्या आया है। हाँ फातिमा, डॉल। अरे बाप रे बाप, डॉल के लिए डॉल आया, माशाल्लाह। चिढ़ा रही सबको। हाँ बेटा ऐसे चिढ़ाएंगे, हाँ ऐसे चिढ़ाएंगे सबको। देखो ना एकदम। अरे माशाल्लाह क्या। अरे वाह फातिमा के लिए, देखो फातिमा के लिए तो छोटा डॉल। ये लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब्बू अब्बू तो कितना, अबे कैमरा पकड़ कैमरा पकड़ लिया। हाँ बेटी ना ना ना, हाँ दिखाओ। तीन चार दिन से इधर बस करो। अरे वाह मेरी, पैर तोड़ दिए तुमने उसका फातिमा। अच्छा बैठा है कि कोई बैठ नहीं बैठे खड़े रहते, इसे सोती पापा मांडी को ऐसे मांडी सुलाने का उसको अल्लाह अल्लाह करके। तो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना वगैरह सब खा के हो गया। और मैंने ना जब औरंगाबाद में था ना शबनम के घर पे, तो फातिमा को हम लोग प्लास्टिक की बॉटल में दूध पिला देते ना, तो एकदम ख़राब हो गई है। तो वहीं से मैंने ट्रेन में बैठे बैठे ऑर्डर कर दिया था स्टील की बॉटल, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो कैसी है। ये वाली बॉटल है, क्या मस्त है यार। पानी नहीं गिरा ना इसमें से, हाँ इसमें लिखा हुआ था ना लो नो लीक। तो इसके साथ में ना मुझे एक दो तीन और चार निप्पल आया। और ये देखो इसके साथ में ये क्या बोलते हैं अपना पट्टी भी आया। नहीं वो नहीं आया। मुझे लगा ये भी, इसलिए साइड में रख के लेके जा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। स्टील के बॉटल में दूध जम जाता है, नहीं जमता ना, तो धोना है ना, वही बर्श पड़ेगा ना उसको धोना। ठीक है, तो कैसे लगी गाइस जरूर कमेंट करके बताना। आपसे स्टील की बॉटल में दूध पिलाएंगे फातिमा को, वैसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो खाना वगैरह खा नहीं रही है ना, तो इसीलिए उसको दूध पिलाना पड़ता है। बाकी दूध तो हम लोग छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं खाती है। फातिमा को उसके नानी लेके बैठे हैं। और तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत मैं पहुँच गया यहाँ पे। और फातिमा मस्त है, रोई नहीं, सबकी जान पहचान जाहिर सी बात है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रही है, तो इसलिए सबको यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह के पहचानती है। जब उसको पहली बार यहाँ पर लेकर आया था ना मैं, तो उसको दो हफ्ते लगे हैं सबसे दोस्ती करने के लिए, और औरंगाबाद में तो सिर्फ दो दिन था, तो दो दिन में तो इतनी जल्दी किस, जब यहाँ पर 14 दिन लगा उसको सबसे घुल मिल के रहने, तो वहाँ पर दो दिन में तो उसकी किसी से भी एक मिनट मतलब दोस्ती हुई नहीं। फातिमा रोए नहीं यार तुम, हाँ सबको पहचानते, अल्लाह सबको पहचानते तुम यहाँ पे सबको। अच्छा गुस्सा मत करो, सॉरी 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 सॉरी, आप नहीं ले रहा, आप नहीं ले रहा तुमको, आप नहीं लूँगा, आप नहीं लूँगा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, आप नहीं लूँगा मेरी जान, सॉरी बस माफ़ कर दो बस। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। ये वीडियो बनाने देने, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। गुस्सा नहीं करता।